दरअसल फवाद मानूर को बहुत पसंद करता है और हम चाहते हैं, बल्कि मैं चाहती हूँ आप मानूर का हाथ फवाद के हाथ में दे दें। शादी कर लिए मुझसे? हाँ, why not? रेजिग्नेशन का फैसला तो किया है और फवाद के साथ बात करने के बाद ही किया है। दुआ करो सब ठीक हो। फवाद? ए! क्या हो गया फवाद? फवाद? फवाद क्या हो गया? क्या हो गया? किसने किया आपका ये हाल? फवाद? No, no, please. No, wait, no. Don't do this. Don't. Fawad. सब लोग पता है कितना हैरान हो रहे थे कि मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। बस तुम किसी को बताना नहीं कि तुम्हारा सारा होमवर्क मैंने किया है। अरे भाई, मैं क्यों बताऊंगी? अगर मैंने बता दिया तो मुझे मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना? सबीरा जी, किससे बातें कर रही थी तुम? किसी से भी नहीं। बनो मत, किससे बात कर रही थी तुम? किसी से भी नहीं बातें कर रही मैं दादी, बस अभी आपसे कर रही हूँ। झूठ मत बोलो सवेरा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम बातें कर रही थी किसी से। दादी, मैं किसी से बातें नहीं कर रही थी। वो फिर आ गया ना? देखो बेटा, वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। नहीं दादी, वो नहीं आया मेरे पास। चलो मेरे साथ आओ, अंदर आ। भाई इंतजार करना, हमारा वापस भी जाएंगे। आओ बेटा। जी खाला, कुछ काम था? हाँ, बाबा जी से मिलना था। खाला, बाबा का तो इंतकाल हो गया, आपको नहीं मालूम? भाई कब, कैसे? ग्यारह सौ बत्तीस बटा सोलह। हाँ, यही पर्ची दी थी उन्होंने। यही तो वो आखिरी पर्ची थी जो बाबा ने बनाई। इसके बाद ना तो वो किसी से मिले और ना ही किसी का इलाज किया। क्या मतलब? आपसे मिलने के बाद बाबा हुजरे में चले गए, नमाज पढ़ी और फिर एक महीने तक वो बाहर नहीं निकले, ना ही किसी से मिले। तीन दिन पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। उन्होंने जो भी कुछ आपके लिए अच्छा किया उसके हवाले से आप उनकी मगफिरत की दुआ कीजिएगा। चलो बेटा,
चलो वापस चलो। हिसाब के जा रहे हैं। आज हिसाब बहुत भारी था जी। तबीयत ठीक नहीं है, आराम करता हूं कुछ देर जी। अब बैठिए प्रोफेसर अभियान। ये तस्वीर आप आमिर को कैसे जानते हैं? हमारे वो देरीना दोस्त है। और आप? मेरे शोहर हैं। अरे फिर तो आप हमारी भाभी हो। आई है, ये बैठी है। मैं बड़ा अफसोस हुआ, आमिर बहुत जल्दी चला गया। ठीक कह रहे हैं, हम सबको तन्हा छोड़ के चले गए। हाँ, एक शख्स सारे शहर को उदास कर गया। आपकी आमिर से दोस्ती कैसे हुई? स्टूडेंट था और दोस्त भी। तुम्हें कैसे याद आ गया आपको इतने साल के बाद? मैंने कहा था ना, छलावा है वो, वापस आ गया। लेकिन इतने सालों बाद? वो आता जाता रहेगा मिस मानू, जब तक उसका वाला मुझसे ना था। हेलो नवीरा, अभी किसी से बात कर रही थी मानू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अल्लाह हाफिज़।
क्या हो गया? कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। खाला का फोन था, कह रही हैं कि सवेरा ने फिर किसी चीज से बातें करना शुरू कर दी हैं। ऐसा क्या है मेरी बेटी के साथ? लेकिन आज से 10 साल पहले जब मैं आपकी बेटी से मिला था तो तब तो उस वक्त मुझे उसके साथ कुछ भी नजर नहीं आया। जब कुछ था ही नहीं तो गायब कैसे हो सकता है? दरअसल खाला सवेरा को एक पीर साहब के पास ले गई थी। उन्होंने उसके गले में एक धागा डलवाया था। कुछ अरसा सब कुछ ठीक रहा था लेकिन फिर अचानक एकदम से का मतलब है वो पीर मर गया। ये सब कुछ वो छलावा ही कर रहा है, बदला लेना चाहता है। लेकिन किससे? आमिर से। एक छलावा मेरा भी था, धोखा कर गया मेरे साथ, फरेब कर गया। लेकिन अब मैं उसको पकड़ कर ही दम लूंगा। जहां भी है हमदानी तो जंगल से बच नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बहुत भूख लग रही है। किचन में जितने भी चावल है खिला दे, बल्कि जो भी है खिला दे। कहां इसे भूख नहीं लगती थी, अब हर चीज खाने का मन है। यूं लग रहा है अभी तो कुछ खाया भी नहीं है। कहाँ रह गई थी तुम? मामा नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। ठीक है तुम कमरे में जाओ, मैं आ रही हूँ। खाला जब आपकी कॉल आई थी तो मैं प्रोफेसर हमदानी के ऑफिस में थी। कौन हमदानी? आपको याद है जब सवेरा को आप बाबा के पास लेकर गई थी गले में धागा डलवाने के लिए, तो मैंने उनसे आपकी मुलाकात करवाई थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि सवेरा के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ याद आ गया। लेकिन मानू जिस तरह से वो झूले पर किसी से बात कर रही थी, मुझे लगता है कि कोई शय है जरूर जो हर वक्त उसके साथ रहती। पता नहीं खाला, कैसी लगी आइसक्रीम? बहुत अच्छी। तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो परसों ने गई थी। नहीं बाजी, सवेरा तो मेरे साथ बाहर से आई है, कह रही थी मुझे आइसक्रीम खानी है तो मैं इसे साथ ले गई।
सरनाश, सरनाश प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वो ना इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जरा सा ट्रिकी है ना कलर करना। क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो? ये लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। कौन लोग, किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी दादी, तुम्हारी मामा, ये लोग मुझे तुमसे दूर करना चाहते हैं। रिलैक्स करो सरनाश, इस बार मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि तुम मेरे साथ हो। सवेरा, तुम्हें उन्हें समझाना होगा कि वो ऐसा ना करें। किसको? हमदानी साहब जी, वो यही है मेरी बेटी के साथ, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। शुक्रिया। मेरे साथ चलो। उठ, क्या हुआ मामा, मुझे अपनी ड्राइंग कंप्लीट। कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी बात सुनो, आइंदा तुम मुझे अकेली यहाँ वहाँ बैठी नजर नहीं आना। अब चलो मामा, मुझे अपनी ड्राइंग तो बेटा बाद में कर लेना, चलो। मामा क्या, मामा लेकिन मुझे अपनी ड्राइंग तो कंप्लीट करने देना। चलो मेरे साथ मामा। चलो सवेरा। हाँ। सवेरा, सवेरा चलो आगे। सवेरा, सवेरा कहीं नहीं जाएगी। तुम जो कोई भी हो, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। सवेरा, सवेरा ये क्या कर रही हो तुम? माँ है तुम्हारी।
शुक्र है प्रोफेसर साहब आप टाइम पर आ गए, नहीं आते तो आज ना जाने क्या हो जाता। उस्मानूर ये बहुत खतरनाक है छलावा, इसको जल्द अज जल्द कैद करना होगा वरना किसी की भी जान कभी भी जा सकती है। सवेरा का कमरा कहाँ है? आई मानूर एक रिक्वेस्ट है, सवेरा को मेरे हवाले कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, जस्ट मी एंड सवेरा प्लीज। लेकिन क्या कर रही है आप? छोड़े मुझे, दर्द हो रही है मुझे, छोड़े मुझे मामा, मामा। सामने आकर दिखा अपने आप को बुजदिल काहिल छलावे, बुजदिल दिखा अपने आप को। प्लीज छोड़े मुझे, प्लीज। नहीं आएगा वो, नहीं आएगा, आप लोगों ने उसे बहुत तंग किया है, वो अब नहीं आएगा। मेरे ख्याल में ये मसले का हल नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त में है, वो इस तरह हम उसे कैद नहीं कर सकते। इस्मानूर सवेरा को मेरे ऑफिस लाना होगा आपको सुबह, रात को ये सब कुछ करना बड़ा मुश्किल है, परेशान ना हो सब ठीक हो जाएगा। एक बात कहूं, अगर बेटी हुई तो नाम मैं रखूंगा। अच्छा, और अगर बेटा हुआ तो? जाहिर सी बात है नाम आप रखेंगी फिर।
बेटा, क्या आप जानती हैं कि आप जिसको अपना दोस्त समझती हैं वो आपके पूरे खानदान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? वो एक अच्छा दोस्त नहीं है, वो इस्तेमाल कर रहा है आपको, तो आप उसको पकड़ने में हमारी मदद करें, ठीक है? जैसा जैसा मैं कहूंगा आपको वैसा वैसा करना होगा। नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, वो मेरा दोस्त है और आप लोग उसे मुझसे दूर कर देना चाहते हैं। सवेरा, जिद मत करो, प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं उसको गौर से सुनो। नहीं, मैं नहीं ध्यान से सुनूंगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, वो मेरा दोस्त है, पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही मेरा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त। ठीक है सवेरा बेटा, ओके, हम आपकी बात मान लेते हैं, आपके दोस्त को हम कुछ नहीं कहेंगे। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज आइए, जरूरी बात करनी है। ये मरवराई ताकत आपकी बेटी के दिल और दिमाग पर असर डाल चुकी है, इसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम सवेरा के माजी में जाकर इस छलावे को पकड़ सकते हैं आसानी से। पर आपकी बेटी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। प्रोफेसर साहब, प्लीज, कोई तो रास्ता होगा कि आप मेरी बेटी को इस अजाब से निकाल सकते। मेरी इकलौती बेटी है, उसको इस तरह ये पुरस्कार जिंदगी जीते नहीं देख सकती। प्रोफेसर साहब, एक रास्ता है। क्या? आखिरी बार आपको इस मावराई ताकत के साथ किसने देखा था? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि आखिरी बार कोई गैर मामूली या अजीब गरीब वाकया आपके साथ पेश आया हो जिसे किसी और ने महसूस किया हो? फवाद, क्या हो गया? डोंट ओपन इट, डोंट वेट अप, डोंट डू दिस, डोंट। मेरे कॉलीग हैं, स्कूल में मेरे साथ होते हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने उन्हें डराया धमकाया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। नाम क्या था? फवाद। हमें फवाद से मिलना होगा, वही एक वाहिद रास्ता है जिसके जरिए हम इस छलावे को पकड़ सकते हैं। Thank you.
हेलो हेलो फवाद, महनूर बात कर रही हूँ, सुनो प्लीज फोन मत रखना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो, लेकिन मैं अपनी सफाई के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया है। कहो क्या कहना चाहती हो। देखो मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसलिए तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो इसलिए तुमने मुझे कॉल किया, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज इनकार मत करना प्लीज, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तुम क्या समझते हो, तू बच जाएगा मेरे हाथ से? तुझे तो मैं उसी दिन मार देती जिस दिन तूने मुझसे शादी की बात की थी। तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, लेकिन अब की बार तेरी मौत मेरे हाथों में की है। हेलो फवाद, हेलो फवाद, हेलो हमने उनका क्या बिगाड़ा है? आखिर वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गए हैं? एक रिश्ता ही तो मांगा था, कौन से बंगले बंगले मांग लिए थे? मैं जाकर उनसे माफी मांग लूंगी, मैं कहूंगी हमें कोई रिश्ता विश्ता नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, परेशान कर दिया बेटा। आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे? सलाम खाला। वालेकुम सलाम। मेरी मौलवी साहब से बात हो गई है, वो एक दो दिन में चक्कर भी लगाएंगे, अभी फिलहाल उन्होंने ये पानी दे दिया। पानी? पानी का क्या करना है? ये आपने, सवेरा ने और मानूर बाजी ने पीना है। तो उससे कुछ अफाका होगा क्या? बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, वो हमारे घर के करीब जो मस्जिद है ना, वो क्या नाम है, हाँ, हमदानी साहब ने जो कुछ भी किया उससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, पता नहीं पानी से भी कुछ होगा कि नहीं। आप घबराए नहीं खाला, कल रात के बाद से मैंने आपको इतनी तकलीफ में देखा है, मेरा दिल वैसे ही बहुत मजबूत हो गया, और वैसे भी अब ये तकलीफ सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है, और मौलवी साहब ने बहुत तसल्ली दी है कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा खाला मैं ज़रा जल्दी में हूँ, चलती हूँ, आप ख्याल रखिएगा, और हाँ पानी तीनों ने पीना है। ठीक, अल्लाह हाफिज़। फवाद,